महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद में बीजेपी सरकार की लापरवाही से 50 से ज्यादा बच्चों, महिलाओं और युवाओं की मौत हो गई। लेकिन पीएम मोदी के मुंह से संवेदना के दो शब्द भी नहीं निकल सके। सिक्किम में बादल फटने से दो दर्जन से ज्यादा सैनिक लापता हो जाते हैं, कई सैनिक शहीद हो जाते हैं, दर्जनों स्थानीय लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन मोदी जी उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं करते। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में हमारे जाबाज सैनिक शहीद हो जाते हैं। साहेब दिल्ली में जश्न मनाते हैं। लद्दाख में सेना का ट्रक खाई में गिरने से 9 सैनिक शहीद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी सैनिकों की शहादत पर पीएम मोदी का मुंह नहीं खुलता है। मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, लाखों लोग बेघर हुए, महिलाओं से बलात्कार होता है, पर पीएम विदेश की यात्राएं करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में सैकड़ों मौतें होती हैं, लेकिन मोदी जी हिमाचल की तरफ देखते तक नहीं। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ मारपीट होती है, मोदी जी खामोशी से तमाशा देखते रहते हैं। नूह में दंगे होते हैं, मोदी शांति की अपील भी नहीं करते। ये वो घटनाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की बनती है। लेकिन मजाल है कि इन घटनाओं पर पीएम ने एक ट्वीट तक किया, एक शब्द भी बोला। दरअसल आपने चुना तो प्रधानमंत्री था, लेकिन ये साहेब तो प्रचार मंत्री निकले। देश के हालात चाहे जितने भी नाजुक क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी का प्रचार नहीं थकता, जश्न नहीं रुकता, विदेश यात्राओं में कमी नहीं आती, वोट मांगने का सिलसिला नहीं थकता। इनको सिर्फ वोट चाहिए, आपके जान माल की इन्हें कोई परवाह नहीं। मीडिया में बस इनका महिमा मंडन होना चाहिए, कैमरों की चकाचौंध बनी रहनी चाहिए। सैनिक शहीद हो या चीन हमारी जमीन पर कब्जा करे, महंगाई कमर तोड़ दे या बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ दे, इनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, देश गर्त में जाता है तो जाए, इनको सिर्फ प्रचार करना है, जुमलेबाजी करनी है, झूठ बोलना है, तानाशाही दिखानी है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।